वो तो कह रही है मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। बाप का राज है, तेरा बाप का मुल्क है जो तू नहीं जाएगी, तेरा तो बाप भी जाएगा। ये हिंदुस्तान है कि यहाँ पर नेशनलिटी रेवड़ी की तरह बढ़ रही है, तुझे रहने देंगे? मोहब्बत इंसान क्यों करता है? मोहब्बत इंसान इसलिए करता है कि एक जीवन साथी को हासिल करे, उस जीवन साथी के साथ एक घर बसाए, वहाँ पर फूल जैसे बच्चे पैदा करे। वो पहली ठरकी औरत है कि पहली शादी भी उसने मोहब्बत से करी थी, 4 बच्चे पैदा भी कर लिए। वो वहाँ सऊदी अरब में पत्थर फोड़ के उसको 90,000 रुपये महीना भेज रहा है और वो कह रही है मुझे फिर हिंदुस्तान के एक 18 साल के लड़के से मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत नहीं है, कोई दूसरा ही, इसे पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए। पहले इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राधे राधे की बेल्ट आती जब पुलिस वाले उगलवाते हैं, वो बेल्ट लेके इस पर जब तक मारते रहना चाहिए जब तक ये ना बताए कि ये किस मंशा से भारत आई है। एक ऐसी औरत जो पाकिस्तान की है ना, वो हिंदुस्तान में आके एक चूचू के मुरब्बे से शादी कर लेती, कैसे कर लेगी? वो इतनी चालाक औरत है कि वो ठाकुरों को भी बदनाम करी, कह रही मैं ठाकुर नहीं हो गई। देखा तो ठकराइन कितनी परेशान है वहां पर, कैसे उसको कह रही है कि इधर को आ तेरी चुटिया हम पाड़ेंगे, कि तू ठकराइन कैसी हो गई। और वो खुद कह रही है कि ठकराइन इतनी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकती कि 4 बच्चों की माँ, तेरी ठराक खत्म नहीं हो रही। मैम क्या कहेंगे जो पाकिस्तानी महिला है सीमा हैदर, एटीएस का शिकंजा कसता जा रहा है, पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आप सोशल मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों की जो इतनी मेहनत है उसकी वजह से जो सीमा हैदर है वो शिकंजे में आई। नहीं तो स्ट्रीम चैनल तो उसको ये दिखा रहा था कि विकास की चाबी सीमा भाभी और भक्त तालियां बजा बजा के खुश हो रहे थे कि उन्होंने सानिया मिर्जा का बदला जो है एक औरत उसके 4 बच्चों को हिंदुस्तान में ला कर ले लिया है। जबकि सानिया मिर्जा का अगर आप केस देखें, सानिया मिर्जा एक एथलीट है, सानिया मिर्जा बैचुलर थी, सानिया मिर्जा भारत का एक रत्न है, सानिया मिर्जा ने बिल्कुल प्रॉपर चैनल में जाके शादी करी और सानिया मिर्जा ने आज तक भारत की नेशनलिटी को नहीं त्यागा और सानिया मिर्जा आज भी भारत के लिए खेलती हैं। लेकिन भक्त इस बात पर खुश होने कि सानिया मिर्जा पाकिस्तान ले गया था, हम पाकिस्तान के एक के साथ 4 फ्री लेकर आ गए। तो अब एटीएस ने जो शिकंजा कसा है, और आप 72 घंटे में देखिए जिस तरह सीमा हैदर या ब्लोच को पकड़ा गया है और उसे सवाल जवाब करे जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है, सुनने में आया है कि वो ऐसे वहां पर फरफर इंग्लिश भी बोल रही है और अपने बयानात को बराबर वैरी कर रही है, जो बात पहले कहती है उसको मुकर जाती है। वो कह रही है कि बाया नेपाल आई है, लेकिन नेपाल जहां से वो बता रही है, जिस रूट से वो बता रही है, सीसीटीवी फुटेज जो कंघाली गई वहां पर निर्बटा सन्नाटा है, वहां पर कोई भी ऐसी फुटेज नहीं है जहां से सीमा बलोच जो है अपने तिनके जैसे आशिक के साथ नोएडा में आई है। कि आप लोगों को मोहब्बत बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान जब एक दूसरे से मोहब्बत लोग कर रहे हैं तो आप लोग क्यों बौखला रहे हैं? नहीं तो तुम्हें मोहब्बत बर्दाश्त हो जाएगी? एक बात तुम सब अपने पे रख के सोचो ना, मोहब्बत इंसान क्यों करता है? मोहब्बत इंसान इसलिए करता है कि एक जीवन साथी को हासिल करे, उस जीवन साथी के साथ एक घर बसाए, वहां पर फूल जैसे बच्चे पैदा करे। वो पहली ठरकी औरत है कि पहली शादी भी उसने मोहब्बत से करी थी, 4 बच्चे पैदा भी कर लिए। वो वहां सऊदी अरब में पत्थर फोड़ के उसको 90,000 रुपये महीना भेज रहा है और वो कह रही है मुझे फिर हिंदुस्तान के एक 18 साल के लड़के से मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत नहीं है, कोई दूसरा ही गेम है। लेकिन खुलासा में ये भी है कि कोई तीसरा आदमी भी सपोर्ट किया था। तीसरा आदमी नहीं, दिल्ली के 4-5 लड़के निकल कर आए जिन्होंने उसको सपोर्ट करा, यानी 4-5 लड़कों के कांटेक्ट में थी। आप एक बात बताइए, अगर आपका मोबाइल टूट जाता है या तो आप उसको सही करवा देते हैं या उसको फेंक देते हैं, दोनों चीज में से तो एक करेंगे। वो इतनी बड़ी मतलब चालाक औरत है, इतनी मक्कार औरत है, वो 4-5 मोबाइल कट्टा भर के सिम पाकिस्तान से लेकर आई है। तो खराब मोबाइल को कौन लेकर आता है? यानी कि खराब मोबाइल में भी कोई ना कोई एक ऐसी उम्मीद है कि उसको सही करवा सके, उनके अंदर कोई ऐसा राज है जो वो पाकिस्तान को जाकर देगी। और जिस तरह भारत ने अब कह दिया है उसका रास्ता साफ हो गया कि उसको पाकिस्तान भेजा जाएगा। वो तो कह रही है मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। बाप का राज है, तेरा बाप का मुल्क है जो तू नहीं जाएगी, तेरा तो बाप भी जाएगा। ये हिंदुस्तान है कि यहाँ पर नेशनलिटी रेवड़ी की तरह बढ़ रही है, तुझे रहने देंगे? पाकिस्तान से भी आपको याद हो एक लड़की आई थी बैंगलोर में, उसने आके मुलायम यादव से शादी करी थी, मुलायम सिंह समथिंग ऐसा नाम था, उसने भी नेपाल के मंदिर में शादी करी थी। लेकिन क्योंकि वो ज्यादा उसने धर्म परिवर्तन जो था उसका इनको ज्यादा पता नहीं चला या वो पाकिस्तानी जासूस नहीं थी, तो सोशल मीडिया ने ना उसको कवर करा, ना स्ट्रीम चैनल ने उसको कवर करा और उसको बैरंग लिफाफे की तरह पाकिस्तान जाकर फेंका है ना। अब एक शादी यहाँ पर अभी बांग्लादेश के एक हिंदू लड़की ने करी, कृष्णा ने, वो तो इतने खतरनाक मोहब्बत थी कि शायद अगर लैला मजनू भी होते तो वो भी शायद सोचते हाय हमारी मोहब्बत भी कम हो गई। वो तो एक पूरा दरिया पार कर कर आई जिसमें मगरमच्छ थे, 1.5-2 घंटे वो तैरती रही, इतना खतरनाक जंगल पार कर कर आई और उस लड़के के साथ रह रही, तो उसको भी बांग्लादेश उठाकर बाहर फेंक दिया। पूजा कर रही है वो, तमाम जो है मंदिर जा रही है। तो भैया फिल्मों में जो एक्टिंग करते हैं, ये वीर जारा थी क्या, मुसलमान हो गई थी ये, जो प्रीति जिंटा थी, ये जितने आतंकवादी अक्षय कुमार आतंकवादियों का रोल करता है या फौजी का रोल करता है फौजी बन जाता है, शाहरुख खान कितनी बार करण का रोल करता था वो करण बन जाता है, ये एक एक्टिंग कर रही है। और एक बात बताइए कि कोई भी लड़की, मैं बार बार आप लोगों के चैनल से कह रही हूं, अगर कोई भी लड़की शादी करती है मोहब्बत करती है, सबसे वेरी फर्स्ट वो लुक देखती है,
वो अपने आप को लेके इतनी कॉन्शियस होती है, ड्रेस को लेके कॉन्शियस होती है, खाने को लेके कॉन्शियस होती है, अपने मेकअप को, अपने कलर को, अपने स्किन टोन को, कि जरा सी धूप में वो छतरे में निकलती है और पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें लगाती है, फोटो भी भेजती है तो पता नहीं कौन कौन सी ऐप में निकालती है कि मैं खूबसूरत हूँ। एक ऐसी औरत जो पाकिस्तान की है, है ना, वो हिंदुस्तान में आके एक चूचू के मुरब्बे से शादी कर लेती है, कैसे कर लेगी? वो तो ऐसा है बिल्कुल अंचूप पाउडर भाई, अंधा बावला नहीं होता। प्यार बेशक अंधा होता होगा तुम्हारी नजर में, लेकिन प्यार बावला नहीं होता, दिमाग फिर भी काम करता है उसका। बावला कैसे ठाकुर हो गए? तुम्हें पता ही नहीं कि वो कौन है? उसने मीना से शादी करी, मीना ठाकुर नहीं होते, आदिवासी होते हैं। वो इतनी चालाक औरत है, ठाकुरों को भी बदनाम करी, कह रही मैं ठाकुर नहीं हो गई। देखा तो ठकराइन कितनी परेशान है, वहां कैसे उसको कह रही है कि इधर को आ, तेरी चुटिया हम पाड़ेंगे, कि तू ठकराइन कैसी हो गई? और वो खुद कह रही है कि ठकराइन इतनी गिरीवी हरकत कर ही नहीं सकती कि चार बच्चों की माँ, तेरी ठरक खत्म नहीं हो रही। गांव वाले एक हो गए हैं, कह रहे हम लोग सीमा भाभी के साथ हैं, आप ही लोग विरोध कर रही हैं। नहीं नहीं, आपने मेरे ख्याल से पुरानी न्यूज देखी होगी। अभी उस गांव में चलो, उस गांव, वो सारे गांव वाले कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम था ये इल्लीगल तरीके से आई, अगर ये इल्लीगल तरीके से आई है तो उसको पाकिस्तान फेंक देना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ इसे पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए, पहले इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राधे राधे की बेल्ट आती, जब पुलिस वाले उगलवाते हैं वो बेल्ट लेके इस पर जब तक मारते रहना चाहिए, जब तक ये ना बताए कि ये किस मंशा से भारत आई है। वो संगठन जो बहुत खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, उसका कहाँ है, कहाँ है? तो वो ना, उन संगठनों से मेरा एक सवाल है, वो तमाम संगठन वाले भारत में मुसलमान मुसलमान तो बड़े करते हैं, आप तमाम लोगों को याद होगा उमर खालिद, जानते हो नहीं जानते उमर खालिद? उमर खालिद जेएनयू का एक ऐसा चमकता हुआ सितारा जिसको डॉटेड वीडियो, अब अगर भक्त मेरी वीडियो देख रहे होंगे, ताली गैंग मेरा वीडियो देख रहा होगा, तो उनको समझ में नहीं आएगा डॉटेड वीडियो क्या कहते हैं। तो भक्तों डॉटेड वीडियो उसको कहते हैं जिसको तोड़ मड़ोड़ कर कहीं ना कहीं चेंज कर दिया गया, तो उसमें उमर खालिद की वीडियो में बैकग्राउंड साउंड लगा जाता है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज तक 3 साल में उमर खालिद को जमानत नहीं हुई, उमर खालिद जेल में पड़ा हुआ, यानी पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने में तुमने उसको जेल में डाल दिया। अब कौन है पाकिस्तान जिंदाबाद? अरे सचिन के ससुराल है, बोलो ससुराल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, सारे सारे बोलोगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वाकई ही कोई जासूसी वाला मामला है और ये देश की सुरक्षा का सवाल है।